अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं बना रही हूँ गाजरों के मीठे चावल। ये पहले भी मैं रेसिपी बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। वो सिर्फ गाजर मैंने डालनी थी, अब इसमें मैं ऑरेंज भी डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गाजरों वाले चावल बनाने के लिए ये मैंने 1200 ग्राम गाजरें ली हैं। इनको मैंने साफ करके फिर इनका मैंने वेट किया, तो ये 1200 ग्राम है। और 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, 1 किलो चीनी है और 1 कप मैंने घी लिया है, 8 अदद मैंने माल्टे लिए हैं। इनका हम जूस निकालेंगे। हमें एक या सवा गिलास हमें जूस चाहिए होगा। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया मैंने, ये 1/2 टीस्पून नमक है और 4-5 अदद छोटी इलायची ली है जिनको मैंने खोल लिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावलों को अच्छी तरह धो के इनको थोड़ी देर के लिए हम भिगो देंगे, 10-15 मिनट के लिए। ये गाजरों को हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब इनका हम जूस निकाल लेते हैं। चावलों के लिए हमने पानी रख दिया चूल्हे पे और साथ ही हम ये नमक डाल देंगे। ये 1/2 टीस्पून नमक है, इसको हम डाल देते हैं। ये देखिए ये पानी बॉयल हो गया, अब इसमें हम चावल डाल देते हैं। चावल हमने डाल दिए, इसको हम उबालेंगे और इतना उबालेंगे कि एक कन्नी रह जाए, यानी जब दम जितने चावल रह जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये चावल पकाने के लिए हमने पतीली चूल्हे पर रख दी है। अब सबसे पहले हम इसमें घी डालते हैं। ये घी गर्म हो गया है, इसमें अब हम इलायची डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डालते हैं। इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट हल्का सा फ्राई हो गया, अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी डालते हैं, हम ये ऑरेंज जूस डाल देते हैं। अब इसकी हम चीनी मेल्ट करेंगे। ये जो थोड़ा सा जूस बचा ये भी हम डाल दो। ये चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये गाजर जो है ना ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ये देखिए 2-3 मिनट हमने इसको पका लिए। उबाल आने के बाद इसको हमने 3-4 मिनट पकाया है। अब ये देखिए, आप इसमें जूस इतना ही डालें जितना आपने पानी डालना हो। अब इसमें हम चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसे हम हल्के हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। अब इसको उबाल आएगा तो हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए ये नीचे जो पानी था ना इसमें, ये देखिए ये उबलने लग पड़ा है, क्योंकि ये चावल हमने ठंडे डाले थे तो पानी जो है ना वो भी ठंडा हो जाता है पानी की इस तरह। अब इसको हम दम पे रखते हैं। ये 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और इसकी आंच जो है ना हम हल्की कर देते हैं। ये देखें ये चावलों को दम आ चुका है, अब इसे हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कैसे खिले खिले चावल बने हैं और ये बहुत मज़े के हैं। जो हमने इसमें ऑरेंज जूस डाला है ना उससे ये बहुत मज़े की लग रही है, इसको बहुत मज़े का टेस्ट है। अब इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देते हैं, काजू, अखरोट, आप चाहें तो इसमें खोबरा भी डाल सकते हैं बड़ी बड़ी काट के। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाला। ये मज़ेदार से गाजरों वाले चावल तैयार हैं। आप इसको ज़रूर सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि गाजरें तो सिर्फ सर्दियों में ही आती हैं अच्छी वाली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक भी किया करें और कोशिश किया करें हमारी वीडियो फुल प्ले किया करें, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो सिला मिलना चाहिए। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अब अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।